हाल है आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मुझे टाइम मिल गया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की पिक्चर शेयर करूं, आप लोगों के साथ अपनी ईद की रूटीन शेयर करूं। दो दिन में काफ़ी बिजी रही, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस ईद के ऊपर सारा गोश्त ही होता है, कुर्बानी होती है, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और उसके बाद टाइम आता है कुकिंग का, सारा दिन लड़कियों की जो ईद है, स्पेशली जो ईद उल अज़हा है, वो किचन में ही गुजरती है, डिफरेंट तरह के खाने बनाती हैं। और इस तरह से मैंने भी कोशिश की है कुकिंग करने की। इस गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन सब लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ता है और अच्छी अच्छी डिशेज़ भी बनानी पड़ती हैं, और फिर जब तारीफ़ होती है तब बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने बनाई है बिरयानी, और मटन बिरयानी है जो कि बहुत मज़े की बनी है। इसको सिंपल सी रेसिपी मैंने इसमें जो है वो यूज़ की है, जैसे हम लोग नमकीन गोश्त घर में बनाते हैं। गोश्त को मैंने पहले से बॉयल कर लिया अच्छे से, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई, वो गोश्त अच्छे से गल भी गया। उसके बाद बिरयानी को सिर्फ 20 से 25 मिनट लगे हैं मुश्किल से, वो भी मेरे ख्याल से 20 मिनट ही लगे हैं, और मैंने आसानी से बिरयानी भी बना ली। तो इस तरह से भी अगर आप करना चाहें तो गोश्त को पहले बॉयल कर लें, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद आप इसको बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं आसानी से। 20 मिनट के अंदर आपकी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। ये मैंने बनाई ईद के दूसरे दिन, कुकिंग मैंने दूसरे दिन की है। बेसिकली पहले दिन मैं काफ़ी गेस्ट थे और उनमें बिजी रही हूँ, तो दूसरे दिन मैंने कुकिंग की है। और उसके बाद मैंने बनाया कबाब, ये आप लोग देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें ही बनाई जाती हैं और ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा ये देखिए, मीठे में भी मैंने बनाया था मैंगो डिलाइट जो कि बहुत मज़े की बनी है, और ये हर चीज़ मैंने खुद बनाई है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंगो डिलाइट बहुत मज़े की बनती है, हम लोग स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, उसके साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए ताकि काफ़ी अच्छा लगे। और जी लास्ट में हर चीज़ बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी मेरी मम्मा ने भी मेरी हेल्प की थी और उनके साथ मिलके मैंने कुकिंग की है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैंने ईद के ऊपर क्या क्या बनाया था। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग ने इस ईद के ऊपर क्या बनाया है, और उनकी पिक्चर्स भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ने कौन सी डिश बनाई है और कैसी बनाई है, ताकि मैं भी देख सकूँ। और पिक्चर्स मैं आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर कर सकती हूँ। आप लोग शेयर करें मेरे साथ अपनी ईद की पिक्चर्स, अपनी मेहंदी की पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, कुकिंग ही कर सकते हैं, और फिर मैं सबको कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये ईद इसी कामों में ही हो जाती है, लड़कियों की तो बेसिकली खाना बनाने में ही गुजर जाती है। इसके अलावा आपने किस तरह की ड्रेसिंग की भी मुझे बताइएगा, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा, और आपने क्या बनाया ये भी मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।